नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है किस्मत का लेखा। सड़क पर भारी ट्रैफिक के बीच रूही जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक गाड़ियां आती जा रही थी। मन ही मन वह बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, मैं और मेरी माँ किन हालातों से गुजर रहे हैं, फिर आपको मुझ पर दया नहीं आती। कम से कम आज का इंटरव्यू तो क्लियर करवा देना प्लीज़। दिमाग में यही विचार चल रहे थे कि उसी समय उसके पास से तेज गति में आ रही एक गाड़ी गुजरी और कीचड़ के छींटे उछलकर उसके कपड़ों पर गिर गए। अब यही होना बाकी रह गया था। सड़क के बीचों बीच खड़ी रूही जोर से चिल्लाई, लेकिन शायद अभी इतना काफी नहीं था। अचानक एक बड़ी सी गाड़ी आई और रूही उस गाड़ी से टकरा गई। चोट तो उसे नहीं लगी थी, परंतु गाड़ी से टकराने के कारण वह कीचड़ भरी सड़क पर गिर गई। रूही के गुस्से का कोई ठोर ठिकाना नहीं था। उसी समय कार के मालिक गाड़ी में से निकलकर बाहर आए और रूही को उठने में मदद करने लगे और फिर बोले, आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं। रूही, जिसके कपड़े कीचड़ के कारण पूरी तरह से खराब हो चुके थे, गुस्से से भड़कते हुए बोली, अच्छा, पहले तो आप जैसे अमीर लोग सड़क पर तेज गति में गाड़ी दौड़ाते हैं और फिर अगर राह चलते किसी को ठोकर लग जाए तो सहानुभूति दिखाने का नाटक करने लगते हैं। अगर लगी भी होती तो फिर भी क्या कर लेते आप? रूही ने कहा, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ पैसे ऑफर कर देते, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बोलते हुए रूही सड़क पर गिरे हुए अपने सर्टिफिकेट्स उठाने लगी। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ बेटी, तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है? अंकल, अब आपके शर्मिंदा होने से मुझे नौकरी तो नहीं मिल जाएगी ना? रूही ने उदास होते हुए कहा, केवल आपके कारण ही मैं इंटरव्यू देने नहीं जा सकी। इतना कहकर जैसे ही रूही आगे बढ़ने लगी, तभी वे व्यक्ति बोले, मगर मेरी बात तो सुनो बेटी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? रूही ने बड़ी बेरुखी से कहा। तो वह व्यक्ति बोले, मेरा नाम मोहन शर्मा है, यह मेरा विजिटिंग कार्ड है, हमारी कंपनी मेहनती एम्प्लॉयज़ की तलाश में है, यदि आना चाहो तो आ सकती हो। रूही ने मुंह बनाते हुए कार्ड लिया और चुपचाप वहां से चली गई। घर पहुंचकर जैसे ही रूही ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ रागनी जी ने दरवाज़ा खोला। अरे रूही, यह क्या, तेरे कपड़े तो कीचड़ से सने हैं, तू ठीक तो है और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? क्या बताऊँ माँ, सब गड़बड़ हो गया जो सोचा नहीं था। अपना पर्स और सर्टिफिकेट्स अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए रूही बोली, आप तो जानती हैं सड़कों पर कितना ट्रैफिक होता है, ऊपर से बारिश के कारण सड़कों के गड्ढे भी कीचड़ से भर चुके हैं। मैं कंपनी में जाने के लिए रोड क्रॉस ही कर रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से जाती एक कार ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया और तभी पीछे से एक कार और आ गई और टक्कर खाकर मैं सड़क पर गिर गई। वह तो अच्छा हुआ कि टक्कर ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी, वरना आज तो आपकी बेटी। यह सब कहते कहते रूही एकदम से चुप हो गई, लेकिन रागनी जी परेशान होते हुए बोली, कहीं लगी तो नहीं ना बेटी? अरे नहीं माँ, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है, अंकल ने गाड़ी को बिल्कुल टाइम पर ब्रेक लगा दिया था, मुझे चोट तो नहीं आई, लेकिन नौकरी जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे आज भी नहीं मिल पाई। लेकिन बेटी, आखिर था कौन वह? उस आदमी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट तो करवानी ही चाहिए, रागनी ने कहा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? नहीं माँ, गलती पूरी तरह उनकी भी नहीं थी, वह तो मैं ही कपड़ों पर कीचड़ लगने के कारण सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई थी। वो अंकल तो बहुत अच्छे स्वभाव के लग रहे थे, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी, बस गुस्से में मैं ही उन पर चिल्लाती जा रही थी। किसी कंपनी के मालिक हैं, जाते जाते वे अपना विजिटिंग कार्ड भी देकर गए हैं, पर्स में रखा हुआ है, रूही ने कहा। ऐसा कहकर रूही ने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। इधर मिस्टर मोहन शर्मा गाड़ी से अपने घर जाते हुए रूही के बारे में ही सोच रहे थे। जब वे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घर के गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। उन्हें देखते ही मिस्टर शर्मा बोले, क्या बात है मैडम, इस साड़ी में तो आप आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं, नई खरीदी है क्या? तभी मिसिज नीता शर्मा उनकी ओर देखते हुए नाराज़गी भरे स्वर में बोली,
मुझे छेड़ने का कोई ना कोई बहाना तो खोज ही लेते हैं आप। ये साड़ी 2 साल पुरानी है, आपने ही मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट की थी ना। जाने ध्यान कहाँ रहता है आपका। अच्छा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, हमारे बेटे अमित के रिश्ते के बारे में। हाँ कहो नीता, क्या कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? फिर नीता जी ने कहा, लड़कियां तो बहुत हैं, पर न जाने क्यों आपका बेटा अमित शादी के नाम पर ही चिढ़ने लगता है। अमित के मामा जी का फ़ोन आया था, बता रहे थे कि उनकी नज़र में एक लड़की है, उनके पड़ोस की ही रहने वाली है, बड़ा ही अच्छा परिवार है। यह बात सुनकर मोहन जी थोड़े उत्साहित होते हुए बोले, तो फिर देर किस बात की, आज शाम को ही जब अमित ऑफिस से घर आएगा तो हम सब लोग एक बार साले साहब के घर चलते हैं, लड़का लड़की एक बार मिल लेंगे, क्या पता अमित को यह लड़की पसंद आ जाए। फिर नीता जी ने कहा, बात तो ठीक कही आपने, मैं भी भैया को फ़ोन करके बता देती हूँ। शाम को जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया। फिर नीता जी ने अपने बेटे अमित को फ़ोन किया और बोली, बेटा आज शाम को जल्दी घर आ जाना। क्यों माँ, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है क्या? हाँ बेटा, तुझे एक लड़की से मिलवाना है। यह बात सुनते ही अमित चिढ़ गया और बोला, माँ आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादीवादी नहीं करनी। अरे बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं माँ, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जब नीता जी ने यह बात अपने पति मोहन जी को बताई तो वे बोले, नीता आज शाम को जब वह घर लौटेगा तो उससे इस विषय पर बात करते हैं ना, क्या पता वह किसी लड़की को पसंद करता हो। हाँ हो भी सकता है, नीता जी ने कहा। रात को जब अमित घर वापस आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूँगी, नीता जी ने कहा। जब रात हुई तो मोहन शर्मा तो अपने निर्धारित समय पर खाना खाकर सोने चले गए, लेकिन जब उनकी मेड विमला नीता जी के लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने खाना नहीं खाया और कहा कि आज बेटे के साथ ही खाना खाऊंगी। वह सोच रही थी कि इस बहाने से उससे बात भी हो जाएगी, लेकिन इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई, रात के 11 बज गए। तब अमित ऑफिस से घर लौटा, उस समय नीता जी कुर्सी पर बैठी बैठी सो रही थी। अरे माँ आप अभी तक बैठी हैं, आपने आज फिर से खाना नहीं खाया, विमला तुम्हें कितनी बार कहा है। माँ को ज़्यादा देर तक भूखा मत रहने दिया करो, वो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मरीज़ हैं। अरे नहीं बेटा, मैंने उसे मना किया था, आज मेरा तुम्हारे साथ खाना खाने को दिल था। उसी समय विमला जी बोली, हाँ भैया आज मैडम ने अपने हाथों से आपके लिए सब्जी बनाई है। यह सुनकर अमित खुशी से उछल पड़ा और बोला, फिर तो मैं एक चपाती ज़्यादा खाऊंगा। रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए नीता शर्मा ने अपने बेटे से कुछ ना कहना ही उचित समझा। अमित वक्त का बहुत पाबंद था, हर रोज़ सुबह नियत समय पर सैर करने जाता था। आज सुबह जब वह सैर करके घर लौटा तो देखा उसकी माँ अभी कमरे से बाहर नहीं आई थी, तो वही माँ से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। देखा तो उसकी माँ उठ चुकी थी और किसी सोच विचार में गुम थी। क्या सोच रही हो माँ, ऐसा क्या देख लिया मोबाइल में? तभी नीता शर्मा बोली, तेरे बारे में ही सोच रही थी बेटा, यह कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, ज़रा देखकर तो बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। अरे माँ आप सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई, जल्दी से तैयार हो जाइए और सबसे पहले खाना खा लीजिए, अपनी सेहत के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन बेटा मेरी बात को टालने की कोशिश मत करो, ज़िंदगी में कामकाज के अलावा भी बहुत कुछ है, एक उम्र आने के बाद शादी तो करनी ही पड़ती है। यह देख तेरे मामा जी ने एक से एक खूबसूरत और अच्छे परिवार की लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। मोबाइल पर उंगली चलाते हुए नीता जी बोलती जा रही थी और जैसे ही मोबाइल से नज़र हटाई और सामने देखा तो अमित वहाँ से उठकर जा चुका था। न जाने इस लड़के को शादी के नाम से इतनी नफरत क्यों है, आज फिर मुझे चकमा देकर निकल गया। उधर रूही आज फिर से इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो रही थी, आज वह बड़े आत्मविश्वास में भरी हुई थी। तभी उसकी माँ रागनी जी उसके लिए दही शक्कर लेकर आई और चम्मच से उसे खिलाने लगी। दही शक्कर खाते हुए रूही बोली, अरे माँ अगर यह दही शक्कर नौकरी दिला पाती तो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहता।
कहते कहते ही रूही अपना पर्स और सर्टिफिकेट की फाइल उठाकर जल्दी से एंट्री देने के लिए निकल गई। और दोपहर को जब घर लौटकर आई तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ देखे जा सकते थे। उसे देखते हुए रागिनी जी बोली, कोई बात नहीं बेटी, निराश मत हो, जरूर कोई अच्छी नौकरी तेरा इंतजार कर रही होगी। फिर रूही मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन माँ मुझे गुस्सा आता है जब कोई कम योग्यता का व्यक्ति सिफारिश के बल पर नौकरी ले जाता है। माँ इस महीने नौकरी नहीं मिली तो घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। काश तेरे पापा हमारे साथ होते तो तुझे नौकरी के लिए यूं दर दर भटकना ना पड़ता। आंखों में आंसू लिए रागिनी जी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मेरी नज़र में एक और कंपनी है, शर्मा इंडस्ट्री, एक बार वहाँ जाकर देख लेती हूँ, शायद वही बात बन जाए। कहते हुए जैसे ही रूही अपने पर्स में से सामान निकाल कर रखने लगी, उसी समय उसकी नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ी और देखते ही वह हैरान रह गई और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, अरे बाप रे, यह तो कमाल ही हो गया। माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा, अरे अरे चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे कोई खजाना मिल गया हो, अब बताएगी भी क्या हुआ है। अरे माँ ऐसा ही कुछ समझिए, जिनकी गाड़ी से उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैंने आपको बताया था, वे शर्मा इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर मोहन शर्मा है माँ। शर्मा इंडस्ट्री वही कंपनी है जहाँ मैं इंटरव्यू देने जाने के लिए सोच रही थी। मैं भी कितनी पागल हूँ, यहाँ वहाँ दर दर भटक रही थी और उन्होंने तो मुझे सामने से जॉब का ऑफर दिया था। तभी रागिनी जी हैरान होते हुए बोली, अरे बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, रागिनी जी ने बड़े उत्साह से कहा। कहते कहते रागिनी जी किसी सोच विचार में पड़ गई। अगले दिन रूही तैयार होकर शर्मा इंडस्ट्री जाने की तैयारी करने लगी। उसने एक खूबसूरत सा सूट सलवार पहना और हल्का सा मेकअप करके खुद को एक बार आईने में निहारा। तभी रागिनी जी टेबल पर उसका नाश्ता लगा कर कमरे में आई और बोली, अच्छी लग रही है बेटी, अब नाश्ता भी कर ले, कहीं देर ना हो जाए तुझे, और हाँ ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलना। तो रूही भगवान को माथा टेक कर अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ भगवान के साथ साथ मुझे आपके आशीर्वाद की भी बहुत ज़रूरत है। तो रागिनी जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे बेटी तू भी ये कैसी बातें कर रही हैं, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, तू बस अपना ख्याल रखना। रूही के जाने के बाद रागिनी जी एक गहरी सांस लेते हुए फिर से किसी सोच विचार में पड़ गई। करीब एक घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब रूही शर्मा इंडस्ट्री पहुंची तो उसके ऑफिस को देखकर वह हैरान रह गई। इतनी बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिलेगी या नहीं, यह सोचते हुए रूही गेट से अंदर की ओर आई। तभी गार्ड ने उसका नाम, पता और आने का कारण एक रजिस्टर में लिखने को कहा। यह सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जब वह अंदर आई तो ऑफिस का माहौल देखकर दंग रह गई। वह देखकर हैरान थी कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ पूरी चुस्ती के साथ काम कर रहे थे। फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर शर्मा का कैबिन कहाँ है, क्या आपको वहाँ बुलाया गया है या आपने उनका अपॉइंटमेंट लिया है, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। तो रूही बोली, नहीं तो, लेकिन उन्होंने अपनी विजिटिंग कार्ड देते हुए मुझे यहाँ आने को कहा था। अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने मिस्टर शर्मा के कैबिन का रास्ता बता दिया। जैसे जैसे रूही के कदम कैबिन की तरफ बढ़ते जा रहे थे उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन चलते चलते ही रूही भूल गई कि किस तरफ जाना है और वह राइट की बजाय लेफ्ट मुड़ गई जहाँ अमित शर्मा का कैबिन था। वहाँ जाकर पूछा तो एक कर्मचारी ने बताया कि मिस्टर शर्मा तो अभी अभी निकले हैं, आप कल आकर मिल लीजिएगा। तो रूही ने कहा, देखिए सर मैं बहुत दूर से आई हूँ, अगर हो सके तो आज मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैडम यदि आप उनसे मिलना चाहती हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। जी मैं इंतज़ार कर लूँगी, कहकर रूही ने कैबिन के बाहर रखी चेयर पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। करीब 4 घंटे बीत गए थे, थकावट के कारण कुछ देर के लिए रूही की आँख लग गई। इसी बीच अमित शर्मा अपने कैबिन में जाने लगा तो उसने देखा कि एक लड़की चेयर पर बैठे बैठे सो रही है।
अचानक उसके पास जाकर बोला, देखिए मैडम, ये आपका घर नहीं है जो यहाँ बैठकर आराम करने लगी। अपने सामने खड़े युवक को इस तरह बोलते देख रूही भी गुस्से में आ गई और बोली, सुनिए मिस्टर, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हैं, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मुझे कोई आराम फरमाने का शौक नहीं है। वो तो मैं बहुत दूर से आई थी, इसलिए थक चुकी थी और लगभग 4 घंटे से मैं मिस्टर मोहन शर्मा का इंतज़ार कर रही थी, जिस कारण मेरी आँख लग गई। और अगर कोई और भी मेरी जगह होता तो वह भी शायद ऐसा ही करता। जी नहीं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। इतना कहकर अमित शर्मा अपने कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद रूही को मिस्टर शर्मा के कैबिन में जाने को कहा गया, लेकिन जैसे ही रूही कैबिन में गई तो सामने कुर्सी पर वही युवक बैठा हुआ था जो थोड़ी देर पहले उसे इतनी खरी खोटी सुना गया था। उसे देखकर रूही सोच में पड़ गई, क्या यह वही मिस्टर शर्मा है जिनसे वह मिली थी? कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गई? तभी अमित शर्मा ने कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? तो रूही ने वही विजिटिंग कार्ड दिखाते हुए कहा, ये कार्ड मुझे मिस्टर शर्मा ने दिया था और यहाँ आने को कहा था। रूही ने कार्ड को देते हुए कहा, मुझे भी नौकरी की तलाश थी, इसलिए यहाँ चली आई। रूही की बात सुनकर अमित शर्मा अचानक हंसने लगा और बोला, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी को नौकरी मिल जाती है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप मुझे अपना रिज्यूम दे दीजिए, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर मोहन शर्मा, जिनका आप 4 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, उनका कैबिन यह नहीं है। रूही यह सुनकर हड़बड़ा गई। अब तक वह अपने कैबिन में ही बैठे थे और खैर अब तो वह जा चुके हैं। यह सुनकर रूही स्तब्ध रह गई और सामने कुर्सी पर बैठे युवक का व्यवहार देखकर वह कुछ असहज सी हो गई। उसका आत्मविश्वास कहीं गुमसा हो गया था। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल में से रिज्यूम निकाल कर उनके सामने टेबल पर रख दिया और जैसे ही उठकर जाने लगी तो अमित शर्मा ने रिज्यूम में देखते हुए कहा, काफ़ी दूर से आई हैं, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और आजकल माहौल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ऑफिस की गाड़ी से आपके जाने का इंतज़ाम करवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर गाड़ी आ गई है। रात के करीब 8 बजे रूही अपने घर पहुँच गई। देखा तो उसकी माँ बालकनी में ही खड़ी थी और लगातार गेट की ओर निहारी जा रही थी। रूही को देखकर उनकी जान में जान आ गई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे बेटा, मुझे तेरी चिंता सता रही थी, ऊपर से तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। और तू तो जानती है ना कि तेरे पापा के जाने के बाद कहते कहते रागनी जी रुआसी सी हो गई। अरे माँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, छोटी थोड़ी ना हूँ, कहते हुए रूही अपनी माँ के आंसू साफ करने लगी। अच्छा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, खाना तैयार है। खाना खाते हुए रागनी जी ने बेटी से पूछा, अच्छा यह तो बता, सब कैसा रहा? ठीक ही था। वहाँ मिस्टर शर्मा से बात हुई या नहीं? पता नहीं माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए सोने जा रही हूँ, कहते हुए रूही अपने कमरे में चली गई। रागनी जी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। उधर अपने बिस्तर पर लेटी हुई रूही समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यह अमित शर्मा है किस तरह के इंसान। पहले तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और उसके बाद मेरा ध्यान रखते हुए अपनी ऑफिस की गाड़ी से मुझे घर ड्रॉप करवाया। इधर घर पहुंचने के बाद अमित शर्मा भी रूही के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसी समय मिस्टर मोहन शर्मा उसके कमरे में आए और बोले, अरे वाह, आज तो मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं पापा, आज ऑफिस में एक लड़की आई थी, आपका विजिटिंग कार्ड दिखा रही थी, कह रही थी कि आपने उसे ऑफिस आने को कहा था। तो मोहन शर्मा सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी लड़की आई होगी जिसे मैंने विजिटिंग कार्ड दिया था, वे दिखने में कैसी थी बेटा, मोहन जी ने पूछा। तो अमित बोला, आम लड़कियों की तरह उसने सलवार सूट पहना हुआ था। अच्छा, अब याद आया, उस दिन मैंने बताया था ना, मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई थी और भगवान की दया से बाल बाल बची थी, मेरे ख्याल से यह वही लड़की होगी।
लेकिन बहुत भली लड़की थी और खुददार भी। कहीं इंटरव्यू देने जा रही थी तब उसे मेरी कार से टक्कर लग गई और वह कीचड़ में गिर गई थी। उसकी जगह कोई और होती तो मुझसे पैसे ऐंठने के लिए FIR करवाने की धमकी दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो तुमने क्या कहा? बड़ी उम्मीद लेकर आई होगी वह, मोहन जी ने पूछा। तो अमित ने कहा, अरे पापा, वह लड़की तो मुझे बड़ी बेवकूफ़ लगी। पूरे 4 घंटे मेरे कैबिन के बाहर बैठकर आपका इंतज़ार किया उसने। एक बार तक उसने किसी से पूछा तक नहीं कि वह कैबिन किसका है, और उसके बाद जब अंदर आई तो मुझसे बात करते हुए भी उसकी आवाज़ और हाथ कांप रहे थे। नहीं बेटा, वो लड़की बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, कभी कभी हालात ज़रूर एक इंसान को बेवकूफ़ बना देते हैं। यह सुनकर अमित सोच में पड़ गया। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुँचा तो उसके कानों में अभी तक अपने पिता द्वारा कहे गए शब्द गूंजे जा रहे थे कि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान को बेवकूफ़ बना देती हैं। हो सकता है कि पापा की बात सही हो, उसे एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए। सोचते हुए अमित ने उसका रिज्यूम निकाला और अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसने रूही की रिज्यूम देखकर कहा कि इसमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करो और इस लड़की को कल आने को कहो। इधर जैसे ही रूही के पास फ़ोन आया कि उसे अगले दिन ऑफिस बुलाया गया है, तो रूही को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उत्साहित होते हुए रसोई में खाना बनाती अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई और माँ के गले लग गई। माँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी अभी मेरे पास किसका फ़ोन आया है? अरे बेटी, आप पहेलियाँ मत बुझाओ, बता भी दो किसका फ़ोन था। अरे माँ, मुझे कल शर्मा इंडस्ट्री में बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। सच? यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। रागिनी जी की आंखों में एक चमक सी आ गई और फिर बोली, अच्छा बेटी, कल फिर क्या पहनकर जाने का इरादा है? वे अभी से निकाल कर रख दे, नहीं तो हमेशा पूरे समय पर तू अपनी ड्रेस को लेकर कंफ्यूज हो जाती है। और आज समय से सो जाना। इंटरव्यू की चिंता में अगली सुबह रूही की नींद जल्दी खुल गई और फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। अपनी ड्रेस को लेकर उसे फिर कन्फ्यूज़न हो गई। फिर उसने एक खूबसूरत सी टॉप के साथ जींस निकाली और एक ऑफिस गर्ल की तरह तैयार हो गई। तभी उसकी माँ रागिनी जी कमरे में आई और बोली, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, किसी की नज़र न लगे मेरी बिटिया को। पता है बिटिया, तेरे पापा का ही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। आज अगर वह होते तो बहुत खुश होते। और फिर कुछ क्षण बाद अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई, अब जल्दी कर, कहीं तुझे देर ना हो जाए। आज जब रूही ऑफिस पहुंची तो उसे किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा, वह सीधे मिस्टर अमित शर्मा के केबिन तक पहुंच गई और बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे अंदर बुला लिया गया। सामने देखा तो अमित शर्मा के साथ वहां पर 4 लोग और बैठे थे, जिनमें से एक मिस्टर मोहन शर्मा भी थे। रूही ने सर झुकाकर सभी का अभिवादन किया। सबने बारी बारी से अपने सवाल पूछे और रूही ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उनके सभी सवालों का जवाब दिया। फिर मोहन जी ने उसे बाहर इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर मोहन शर्मा बाहर आए। तभी रूही ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए तो उसे आशीर्वाद देते हुए मोहन जी बोले, बेटी, तुम्हें जल्दी ही फ़ोन करके जानकारी दे दी जाएगी, और मुझे विश्वास है कि जब तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगी तो इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाओगी। शुक्रिया कहकर जैसे ही रूही बाहर निकलने लगी तो मोहन जी ने ड्राइवर को बुलाया और फिर रूही को उसके घर छोड़ने को कहा। इधर मिस्टर अमित शर्मा आज उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो चुके थे। न चाहते हुए भी वे बार बार रूही के बारे में ही सोच रहे थे। फिर खुद से ही बोल उठे, आखिर मैं रूही को इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ। लेकिन तभी अगले ही पल मन ही मन बोले, नहीं, अब मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैं फिर से इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। यह सोचते सोचते अमित अपने पुराने ख्यालों में खो गया। दरअसल करीब 3 वर्ष पहले अमित को एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया था।
धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। अमित ने सोच लिया था कि वह शादी करेगा सिर्फ उसी लड़की से, लेकिन एक दिन अमित के एक गहरे मित्र ने उसे जो कुछ बताया, अमित के पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। और जब उसने सब कुछ पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वह लड़की तो पहले से ही शादीशुदा थी और केवल पैसों के लिए उससे प्यार का ढोंग कर रही थी। उस दिन के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया और उसने कसम खा ली कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो उसकी भावनाओं के साथ खेल सके। परंतु आज न जाने क्यों उसे फिर से प्यार का एहसास होने लगा था। अगली सुबह जब अमित शर्मा सुबह की सैर करके घर वापस लौटे तो मिस्टर मोहन शर्मा उसका इंतज़ार कर रहे थे। अमित को देखकर बोले, तो बेटा क्या सोचा तुमने? किस बारे में पापा? अरे बेटा, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कल जो इंटरव्यू लिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी के पिछले अनुभवों को देखते हुए अमित रूही से दूर ही रहना चाहता था, इसलिए बोला, मुझे तो लगता है कि पहले वाली पर्सनल सेक्रेटरी ही ठीक है, लेकिन बेटा मुझे तो रूही इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही लगी। और यह बात मैं अपने अनुभव से उसकी क्वालिफिकेशन के बल पर नहीं बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि वह लड़की बाकी लोगों से बहुत अलग है और बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली भी। ठीक है पापा, मैं बाकी सभी से पूछकर आपको बताता हूँ। ऑफिस पहुंचकर जब अमित ने सब लोगों की राय जाननी चाही तो सभी ने रूही का ही नाम लिया। अब अमित के पास उसे सेलेक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए उसने अपने पिता को फ़ोन करके अपना फैसला बता दिया। घड़ी में देखा तो सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे जब रूही का मोबाइल बज उठा, लेकिन वह अभी तक सो रही थी। रात भर ऑफिस के बारे में जो सोच रही थी, बेटा तेरे मोबाइल की बेल बज रही है और तू अभी तक है कि निश्चिंत होकर आराम से सो रही है, रागनी जी ने कहा। लेकिन रूही तो गहरी नींद में थी तो आखिरकार रागनी जी को ही फ़ोन उठाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से मिस्टर मोहन शर्मा की आवाज़ आई, हेलो, मैं शर्मा इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ। मोहन शर्मा जी, नमस्ते सर, मैं रूही की माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, क्या मैं रूही से बात कर सकता हूँ? जी, मैं अभी बुलाती हूँ, कहते हुए रागनी जी फिर से कमरे में आई और रूही के मुंह पर पानी के कुछ छींटे डाले तो रूही उसी समय नींद से जाग गई। मिस्टर शर्मा का फ़ोन है, रागनी जी ने धीरे से कहा। तो रूही ने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं रूही बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि कल से ही तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर रूही ने फ़ोन रख दिया। इधर मिस्टर मोहन शर्मा से बात करने के बाद रागनी जी कुछ परेशान सी हो गई क्योंकि उन्हें वह आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। अरे माँ, आप किस चिंता में डूब गई हैं? अब सारी चिंताओं को छोड़कर बस आराम कीजिए आप। अब आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है, रूही ने कहा। तो रागनी जी बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, अब तुम्हारे भी सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैं जैसी तैसी सिलाई करके इस घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अब आंखें कमज़ोर होने के कारण मैं वह काम भी नहीं कर पाती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे नौकरी मिल गई, अब हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन माँ, मुझे मिस्टर अमित शर्मा की पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली है और उनका व्यवहार मुझे बहुत अजीब सा लगता है। वह एक नंबर का आकड़ू और खड़ूस इंसान है। नहीं बेटा, एक या दो मुलाकातों में हम किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते। वहाँ काम करोगी तभी तो उन लोगों को जान और समझ पाओगी। किसी के साथ सामंजस्य से बैठने में कुछ समय तो लगता ही है ना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही समय में तू सब संभाल लेगी। तभी रूही अपनी माँ की गोद में सर रख कर आराम से सो गई। लेकिन रागनी जी अभी तक मिस्टर मोहन शर्मा के बारे में ही सोच रही थी। वह आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर बैठे बैठे अचानक ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह मोहन जी नहीं हो सकते। कहा एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखने वाला वह मोहन और कहा शर्मा इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर मोहन शर्मा। सोचते सोचते वह अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो सी गई।
एक समय था जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, तो इस कॉलेज में एक मध्य वर्ग के परिवार का एक साधारण सा युवक भी पढ़ा करता था। दिखने में ठीक ठाक था, परंतु स्वभाव का बहुत ही शांत और मधुर। धीरे धीरे रागिनी उसकी ओर आकर्षित होती गई और वह भी रागिनी की खूबसूरती और सरलता पर मर मिटा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, परंतु जैसे ही रागिनी के घर वालों को इस बात की भनक लगी, तो उनके पिता ने उनकी ज़िंदगी के बारे में ऐसा फैसला लिया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 10 दिन के बाद रागिनी की शादी किसी और लड़के गौरव के साथ करवा दी गई थी। वैसे तो गौरव अच्छे परिवार से संबंध रखता था, लेकिन उसमें शराब पीने और जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक रागिनी को इस बात की खबर हुई, तब तक वह एक बेटी की माँ बन चुकी थी। धीरे धीरे गौरव ने जुए में अपना सब कुछ गंवा दिया और शादी के 8 वर्ष बाद ही शराब के नशे में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। रागिनी जी का सब कुछ उजड़ गया था। ससुराल वालों ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, और जब मायके से उनके भाई ने पैसों से उनकी मदद करनी चाही तो भाभी ने रोक दिया। रागिनी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर हिम्मत जुटाते हुए अपनी बेटी के खातिर उन्होंने स्वयं को संभाला और अपने आप को मजबूत बनाया। फिर जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लेकर आई। पुरानी बातें याद करते करते रागिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। शाम के समय जब रूही सोकर उठी, तो माँ की अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े देखने लगी। क्या हुआ बेटी, क्या ढूंढ रही हो? रागिनी जी ने पूछा। अरे माँ, मैं सोच रही थी कि कल ऑफिस का पहला दिन है, तो क्यों ना साड़ी पहन कर जाऊँ। यह सुनकर रागिनी जी हैरानी से बोली, क्या तू साड़ी पहनेगी? साड़ी पहनना आता भी है तुझे, और पहन भी ली तो संभालेगी कैसे? कहते हुए रागिनी जी हंसने लगी। तो रूही बोली, माँ अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ, और साड़ी कैसे पहनते हैं वह आप मुझे सिखाएंगी? अच्छा बाबा ठीक है। अगले दिन रूही एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। रागिनी जी बड़े ध्यान से उस साड़ी को देखने लगी, क्योंकि यह वही साड़ी थी जो आज से 25 वर्ष पहले मोहन ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। पल भर के बाद ही तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। ऑफिस की गाड़ी रूही को लेने के लिए आई हुई थी। समय से 20 मिनट पहले ही रूही ऑफिस पहुंच गई, और अमित शर्मा की पुरानी पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे सब काम समझा दिया था, और उसे समझाते हुए यह भी बताया कि मिस्टर अमित शर्मा काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। पूरे 10 बजे अमित शर्मा ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। जैसे ही रूही अंदर गई, अमित शर्मा तो उसे देखते ही रह गए। ब्लैक साड़ी पहनी वह गजब की खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान मंत्रमुग्ध हो सकता था। वे भूल ही चुके थे कि उन्होंने रूही को किसी काम से बुलाया था। थोड़ी देर के लिए एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी उस सन्नाटे को तोड़ते हुए रूही बोली, आपने बुलाया सर? तभी अमित शर्मा ठिठक कर बोले, हाँ प्लीज़ बैठिए ना, मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम समझ लिया होगा। जी सर, रूही ने कहा। तो अमित बोला, अगर कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो पूछ लेना, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सर, कहकर रूही अपने काम में मशगूल हो गई। वो बड़े ध्यान से सोच समझ कर सारा काम करने लगी। थोड़ी देर हुई तो चपरासी 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आया। अमित शर्मा अपनी कॉफ़ी कप से ख़त्म कर चुके थे, लेकिन रूही पूरी लगन के साथ अपने काम में इस कदर जुटी हुई थी कि वह कॉफ़ी पीना भूल ही गई। सारा काम वो बड़ी कुशलतापूर्वक करती जा रही थी, परंतु उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी अमित शर्मा बोले, मैडम अपनी कॉफ़ी तो पी लीजिए, काम तो होता रहेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर, कहते हुए रूही फिर से अपना काम करने लगी। शाम के समय जब रूही ऑफिस से जाने के लिए निकली, तभी मिस्टर मोहन शर्मा उनके पास आए और बोले, बेटी कैसा रहा आज का दिन? जी बहुत अच्छा सर, रूही ने कहा। तो मिस्टर मोहन शर्मा बोले, अमित तो तुम्हारे काम की खूब तारीफ कर रहा था, अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। जी बिल्कुल सर, रूही ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। दिन यूं ही बीतने लगे और
हर बीतते दिन के साथ अमित शर्मा उससे और अधिक प्रभावित होते जा रहे थे। उसकी सादगी, शालीनता, विनम्रता और सरल स्वभाव उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वे समझ चुके थे कि रूही बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। आज रूही को ऑफिस में काम करते हुए पूरा एक महीना हो चुका था। एक शाम अपना काम निपटा कर जब रूही अमित शर्मा के कैबिन में फाइल लेकर पहुंची, तो अमित शर्मा ने अपने दिल की बात उससे कह दी। रूही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही अमित ने यह बात कही तो रूही सहम गई और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चली गई। रूही की प्रतिक्रिया देखकर अमित भी कुछ परेशानी में पड़ गया। कहीं उसने रूही की भावनाओं को आहत तो नहीं कर दिया? अब उसका भी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह जब ऑफिस से अपने घर गया तो उसे गुमसुम देखकर नीता जी को बहुत चिंता हो रही थी। माँ के सामने तो अमित ने बहाना बना दिया कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन मोहन शर्मा जी उसे इस तरह मायूस देखकर समझ गए थे कि बात कुछ और ही है। ऐसे तो अमित कभी नहीं रहता। उधर रूही भी घर पर जाकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर लेट गई। रागनी जी को रूही का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वे ना तो कुछ बोल रही थी और जब रागनी जी खाना लेकर आई तो उसने खाने से भी इनकार कर दिया। बहुत पूछने पर रूही ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे अमित शर्मा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई। तो रागनी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक किया। शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं बेटी। फिर कुछ सोचने के बाद रूही बोली, लेकिन माँ मुझे लगता है कि वह दिल के बुरे नहीं हैं, वह अच्छे इंसान हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के इकलौते मालिक हैं और वैसे भी उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि वे इंसान के स्टेटस से नहीं बल्कि उसके गुणों से प्रभावित होते हैं। ठीक कहा बेटा, लेकिन सोच समझ कर ही फैसला करना। रागनी जी इतना कहकर रसोई घर में चाय बनाने चली गई। काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद रूही एक फैसले पर पहुंच गई और उसने अपना फ़ोन उठाकर अमित शर्मा के नंबर पर एक मैसेज भेज दिया जिसमें लिखा था, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा जवाब हाँ है। संयोग से उस समय अमित का मोबाइल मोहन शर्मा के पास रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने रूही का यह मैसेज पढ़ा, उन्हें समझते देर न लगी कि यह मामला प्यार का है। उन्होंने तुरंत ही रूही को फ़ोन लगाया और कहा, रूही बिटिया, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। जब रूही ने अपनी माँ से यह बात कही तो वे जल्दी से घर की हालत ठीक करने में जुट गई। तब तक रूही भी चाय के साथ परोसने के लिए स्नैक्स बनाने की तैयारी करने लगी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। रूही ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहन शर्मा जी खड़े थे। उसने झुककर उनके पांव छुए तो मिस्टर शर्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अपनी माँ से मिलवाते हुए रूही बोली, सर यह मेरी माँ है जी, नमस्ते। कहते हुए जैसे ही रागनी जी ने उन्हें गौर से देखा तो वह हैरान रह गई। और उधर मोहन शर्मा जी का रागनी से जिस तरह सामना हुआ, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। एकाएक अतीत के दृश्य उनके सामने घूमने लगे। जब रागनी के पिता ने उन्हें सरेआम धुतकारते हुए कहा था कि मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं दूंगा जो उनके काबिल ही ना हो, पैरों की धूल को कोई अपने माथे पर कैसे सजा सकता है। मोहन जी को इस तरह चुप बैठे देखकर रागनी जी बोली, आप क्या सोच रही हैं? तभी मोहन शर्मा बोले, रागनी जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अब उनकी खुशी केवल आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता जो वर्षों पहले हुआ था वही अब दोहराया जाए। जी मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बच्चों को विवाह के अटूट बंधन में बांध दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वाले इस रिश्ते के विरोध में खड़े हो जाए, इसलिए शादी के बाद ही उन्हें इस बारे में खबर करना बेहतर होगा। उसी समय रूही भी चाय के साथ स्नैक्स और मिठाई लेकर आ गई तो मोहन जी उसका मुंह मीठा कराते हुए बोले, बेटा अब जल्दी से तुम हमारे घर आ जाओ, फिर हम बाप और बेटी एक साथ बैठकर बिजनेस मीटिंग किया करेंगे। यह बात सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करीब एक हफ्ते बाद ही रूही और अमित की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई।
आज रागनी जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। एक बेटी ही तो थी उनके पास और उनका सहारा, जिसके साथ वह अपना दुख सुख बांट सकती थी। आज वह भी अपने घर चली जाएगी, यह सोचकर ही उनका हृदय अंदर से कांपने लगा था। अपना ख्याल रखना माँ, विदाई के समय न आँखें लिए रूही ने कहा तो रागनी जी अपने आंसुओं को बहने से रोक न सकी, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनकी बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, जहाँ उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलेगा। सुनियोजित तरीके से शादी संपन्न हो जाने के बाद रागनी जी ने अपने परिवार के लोगों को यह सूचना दे दी और यह भी बता दिया कि शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है और 2 दिन बाद रिसेप्शन की पार्टी है। लेकिन रिसेप्शन के लिए वह यह देखकर हैरान थी कि पैसा लोगों के विचारों को किस कदर प्रभावित करता है, क्योंकि उसके जो मायके वाले आज से 25 वर्ष पहले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे, आज रूही और अमित की जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे और रूही के भाग्य की सराहना कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।